तो अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाइयों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो अपने कंपनी का स्टेटस चेक करना चाहते हैं या फिर उनका अपना कंपनी के बारे में पता करना चाहते हैं कि आपका कंपनी रेड जोन में है या ग्रीन जोन में है या येलो जोन में है। क्योंकि ये ज़रूरी होता है, अगर आप हवाला लेना चाहते हैं तो इसके पहले आप जो है अपने कंपनी के बारे में पता कर लें कि आपका कंपनी किस जोन में है। ग्रीन में है तो आप नहीं ले सकते हैं और येलो में है तो भी आप नहीं ले सकते, लेकिन अगर आपका कंपनी रेड जोन में होगा तो आप आसानी से जो है अपना हवाला ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कैसे जो आप अपना कंपनी का स्टेटस को चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। आपको किसी भी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन अपना कंपनी का स्टेटस को चेक कर सकते हैं। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं जाता, आपके इस भाई का भला हो जाता है। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक देकर के नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुँच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप ही लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और सीखते हैं कैसे हम लोग अपना कंपनी का स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि ग्रीन में है या रेड में है या फिर येलो में है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको चले जाना है क्रोम ब्राउज़र पे। चलिए क्रोम ब्राउज़र पे चले जाते हैं। क्रोम ब्राउज़र पे जाने के बाद यहाँ आपको लिख देना है सिंपली mol.gov.sa स्पेस दे करके इंक्वायरी, ओके। उसके बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट में ही आपको एक ऑप्शन दिखेगा, यही हमारे काम का ऑप्शन है, इसके अलावा कोई भी वेबसाइट काम का नहीं है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस पर आपको क्लिक कर लेना। चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर अरबी में है, अगर आपको इसको इंग्लिश में करना हो तो आप इंग्लिश में कर लें। यहाँ पर देख सकते हैं साइड में यहाँ पर ये ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस पर आपको अरबी इंग्लिश का ऑप्शन आ जाएगा। तो नीचे में चलते हैं, नीचे में देख सकते हैं आप अगर कंपनी में हैं तो आप अपने कामा नंबर से भी चेक कर सकते हैं, कंपनी में नहीं है तो आप बॉर्डर नंबर से भी चेक कर सकते हैं, दोनों ही आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये है बॉर्डर नंबर, उसके नीचे में है रेसिडेंट नंबर और यहाँ पर है आपका पासपोर्ट नंबर। तो यहाँ पर हम सिंपली जो है अपना कामा नंबर से चेक करेंगे, अगर आपके पास कामा नंबर नहीं है तो आप अपने बॉर्डर नंबर से भी चेक कर सकते हैं, और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो जो आपके कंपनी में काम कर रहा पहले से ही बंदा उसके काम से भी आप अपने कंपनी का स्टेटस को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपको रेसिडेंट नंबर पे क्लिक कर लेना है, क्लिक करने के बाद अपने कामा नंबर फिल कर लेना। चलिए फिल कर लेते हैं। अब फिल करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये कैप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस कैप्शन को जो है यहाँ पर आपको इस जगह पर फिल कर लेना। चलिए इसको कैप्शन को फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं रिसर्च का ऑप्शन आपको दिखता होगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, रिसर्च के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना। चलिए क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे सब चीज़ हो गया है, आपको सिंपली क्या करना, नीचे सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर वर्कर नंबर, मेरा नाम और वर्कर केस ऑन द जॉब वर्क, द फैसिलिटी लाइसेंसेस यानी वैलिड फैसिलिटी परमिट है, यानी कि ये कंपनी का जो परमिट है ये भी ओके है। यहाँ पे देख सकते हैं एवेल्यूएशन ऑफ द फैसिलिटी, यानी कि ग्रीन हाई है, यानी कि ये जो मेरा कंपनी ये ग्रीन हाई यानी कि सबसे बेस्ट अभी ये ग्रीन हाई में चल रहा है। अगर आपका कंपनी यहाँ पे रेड जोन में शो करता है तो फिर आप आसानी से अपना कफाला ले सकते हैं, इसके लिए आपको कंपनी है किसी के भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से जो है आप आसानी से अपना कंपनी का स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि आपका कंपनी किस जोन में है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था, जो लोग मुझसे पूछते थे कि मेरा भाई रेड जोन में है, कैसे पता चल करें कि मेरा कंपनी रेड जोन में, कैसे मैं रेड जोन को पता करके कफाला ले सकता हूँ। तो इस तरीके से आप अपना कंपनी का स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि आपका कंपनी किस स्टेटस में है, और आसानी से जो है बाद में अपना कफाला ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो है बड़ी आसानी से अपनी कंपनी का स्टेटस को चेक कर सकते हैं, और चेक करने के बाद अपना आसानी से कफाला भी ले सकते हैं, क्योंकि कफाला के लिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट तीन जो इम्पोर्टेंट होता है, इकामा या फिर आपका परमिट या फिर आपका कंपनी किस जोन में। अगर रेड जोन में है तो फिर आपको कंपनी के परमिशन की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से जो है अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं। इसके लिए मैंने पहले ही बहुत सारे वीडियो बना के रखा, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक देकर नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि चैनल पे इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करते रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए